देखिए फ्रेंड्स, आज क्रिप्टो मार्केट वापस से क्रेश हो चुका है क्योंकि बिटकॉइन की प्राइस के अंदर $3,000 का एक बड़ा डंप देखने को मिला है और बिटकॉइन की प्राइस वापस से $42,000 के आसपास देखने को मिली है, जिसके चलते अल्ट कॉइन्स की प्राइस के अंदर भी एक बहुत बड़ा डंप देखने को मिल रहा है और कुछ कुछ अल्ट कॉइन्स के अंदर 15% तक भी एक बड़ा डंप देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में बहुत सारे लोग पैनिक में है। तो देखिए फ्रेंड्स, पैनिक में आने की जरूरत नहीं है, अभी आपको बिटकॉइन के मूव को समझने की जरूरत है कि बिटकॉइन का मूव किस तरीके से देखने को मिल रहा है मार्केट के अंदर। तो देखिए मैं आपको स्क्रीन पर लेकर चलूंगा और वहां से सिर्फ मैं आपका एक लूंगा और उस एक मिनट के अंदर मैं आपको सारी बातें बता दूंगा कि बिटकॉइन का मूव किस तरीके से मार्केट के अंदर देखने को मिल रहा है। तो इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो अब आगे आने वाला समय क्रिप्टो मार्केट के अंदर वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखिए फ्रेंड्स, चलते हैं स्क्रीन पर और वहां से आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पर आपको एक बहुत बड़ी रेड कैंडल देखने को मिल रही है। देखिए अभी बिटकॉइन की प्राइस चल रही है $42,000 के आसपास। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब बिटकॉइन की प्राइस आपको इस लेवल से भी नीचे देखने को मिले। लेवल कौन सा है? $42,000 से भी नीचे देखने को मिले। लेकिन अभी समझने वाली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कौन सी है वो बात मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए जब बिटकॉइन की प्राइस इस तरीके से नीचे देखने को मिली तो बिटकॉइन ने यहां कहीं सपोर्ट लिया इस लेवल के आसपास। ये जो लेवल आप देख रहे हैं वो लेवल है $44,200 के आसपास। देखिए इस लेवल के आसपास सपोर्ट लेकर बिटकॉइन की प्राइस के अंदर एक रिकवर देखने को मिला और बिटकॉइन की प्राइस यहां कहीं देखने को मिली। देखिए फिर बिटकॉइन की प्राइस के अंदर वापस से डंप देखने को मिला और बिटकॉइन की प्राइस इस तरीके से नीचे देखने को मिली। फिर बिटकॉइन ने जो सपोर्ट लिया वो इसी लेवल के आसपास लिया और फिर बिटकॉइन की प्राइस के अंदर वापस से रिकवर होने लगा और बिटकॉइन की प्राइस इस तरीके से देखने को मिली। देखिए बिटकॉइन की प्राइस वापस से नीचे देखने को मिली और बिटकॉइन की प्राइस ने सपोर्ट लिया वो इसी लेवल के आसपास लिया। लेवल कौन सा है? $44,200 के आसपास। देखिए एक बार यहां पर सपोर्ट लिया, एक बार यहां पर सपोर्ट लिया, एक बार यहां पर सपोर्ट लिया। देखिए इस तरीके से आपको बिटकॉइन की प्राइस के अंदर एक बड़ा पंप भी देखने को मिला। तो देखिए ये जो आप जोन देख रहे हैं, इस जोन के अंदर जो ऊपर वाला लेवल है वो है $47,700 के आसपास और जो नीचे वाला लेवल है वो मैंने आपको बता दिया है $44,200 के आसपास। तो जब बिटकॉइन की प्राइस इस तरीके से नीचे आई तो इस जोन के अंदर बिटकॉइन की प्राइस पंप कर रही थी और डंप कर रही थी, और जब इस लेवल को ब्रेक डाउन किया तो बिटकॉइन की प्राइस के अंदर इस तरीके से आपको वापस एक बड़ा डंप भी देखने को मिला। तो अभी मैं आपको यह बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जो बिटकॉइन की प्राइस है वो इसी प्रकार से एक इंपॉर्टेंट जोन के अंदर पंप एंड डंप कर रही है। वो जोन कौन सा है? ये वाला जोन है, आप यहां पर देख सकते हैं, जिसके अंदर ऊपर वाला लेवल मैं आपको बता दूं $44,200 के आसपास है और जो नीचे वाला लेवल है वो है $40,000 के आसपास। देखिए बिटकॉइन की प्राइस के अंदर इस तरीके से डंप देखने को मिला, अब बिटकॉइन की प्राइस यहां पर सपोर्ट लेकर इस तरीके से आपको ऊपर देखने को मिली। देखिए इसी लेवल से आपको बिटकॉइन की प्राइस तरीके से नीचे देखने को मिल रही है। तो अभी बिटकॉइन की प्राइस यहां पर एक सपोर्ट लेकर यहां से ऊपर देखने को मिल सकती है, फिर वहां से आपको वापस नीचे देखने को मिल सकती है और वहां से ऊपर देखने को मिल सकती है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर बिटकॉइन इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देता है, लेवल कौन सा है? $40,000 के आसपास, तो फिर बिटकॉइन की प्राइस के अंदर आपको वापस से एक बड़ा डंप वापस से देखने को मिल सकता है। इस तरीके से जब बिटकॉइन ने इस इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन किया तब। तो फ्रेंड्स, इस लेवल को ब्रेक डाउन करने के बाद में बिटकॉइन की प्राइस कहां कहां तक नीचे देखने को मिल सकती है और आपको कौन से लेवल पर एंट्री लेकर एक प्रॉफिट बुक करना चाहिए, इसके बारे में मैंने आपको डिटेल्स एक वीडियो के अंदर बता दिया है। उस वीडियो को जाकर देख लीजिए, उस वीडियो का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। और देखिए अभी मैं 2 टॉप अल्टकॉइन के ऊपर काम कर रहा हूं, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था। तो अगर वो काम पूरा हो जाता है तो मैं वीडियो आज ही अपलोड कर दूंगा, अगर नहीं होता तो वीडियो कल भी अपलोड कर सकता हूं। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अब मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।